ऐसे मतलब पीरियड्स जो होते हैं तो पीरियड्स में मानना पड़ता है ना, मान्यता 3 दिन तो मानना पड़ता है, इसलिए पीरियड्स आते हैं, इसलिए मतलब मंदिर। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेंद्र और लगातार अघोरी अवगढ़ नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं, तंत्र क्रिया से जुड़े होते हैं, तांत्रिक जो होते हैं, उनके वीडियो लगातार लेके आता रहता हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ आसाम में, यहाँ पर कामाख्या मंदिर जो है वहाँ पर मौजूद हूँ और ये जो है एक कुंड है, कुंड पर यहाँ पर करीब हजारों की तादाद में तांत्रिक आए हुए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जितने भी यहाँ पर तांत्रिक हैं, एक बार कैमरामैन से कहूँगा सारी चीज़ें दिखा दो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह पर सीढ़ियों पर हजारों की तादाद में तांत्रिक बैठे हैं और अपनी सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। सिद्धियों के लिए ये तांत्रिक आते हैं यहाँ पर और अपनी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और ये जो तांत्रिक हैं ये नहीं है खाली इंडिया से आए हों, ये विदेशों से भी यहाँ पर तांत्रिक आते हैं और अपनी तंत्र क्रिया करते हैं यहाँ पर। और ये जो है सिर्फ 3 दिन की जाती है यहाँ पर, जैसे अंबुबाची मेला होता है उसी के टाइम पर ये आते हैं यहाँ पर। तो हमारे साथ एक साध्वी हैं, तो इनसे पूछेंगे क्या पूरी यहाँ की हिस्ट्री है और जो कामाख्या देवी है उनके बारे में भी पूछेंगे। राधे राधे। राधे राधे। आपका शुभ नाम क्या है? मैडम गीता अधिकारी है। अच्छा, कितना समय हो गया आपको जैसे मतलब तंत्र क्रिया या फिर मतलब एक साधक बने हुए आपको? मतलब मैं ऐसे तो 20 साल से जुड़ी हूँ, माँ के मंदिर में आना जाना सब था, लेकिन मैं 1 साल से पूरा माँ की मतलब नवारण मंत्र करके आज के दिन में मेरा पूरा संपूर्ण 1 साल हो गया ये मेरा। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, यहाँ पर हजारों की तादाद में तांत्रिक बैठे हैं, अघोरी हैं, तांत्रिक हैं, ऐसा क्या है यहाँ पर जो कि हर तांत्रिक देश विदेश से आके यहाँ पर तंत्र क्रिया कर रहा है? ये कामाख्या यहाँ सबसे आपके वर्ल्ड के अंदर में ही सबसे बड़ी शक्तिपीठ है। 51 आपका जो शक्तिपीठ है, सबसे नंबर एक शक्तिपीठ ये माँ कामाख्या की है, जहाँ पे माँ की योनि गर्भस्थान की। अच्छा अच्छा, ऐसा कहा जाता है जो कामाख्या देवी का जो मंदिर है यहाँ पे यौन पीठ गिरी थी, जो पत्थर की शिला है उससे रक्त बहता है, क्या ये सत्य है? हाँ सत्य है। अच्छा, तो जैसे ये जो है 3 दिन बंद रहता है ये जो मंदिर है, अच्छा तो इसका जो रक्त वगैरह होता है उसका क्या होता है? जैसे ये कहा जाता है लाल रक्त आता है वहाँ से, जो पत्थर की शिला है, पत्थर की शिला से आता है? नहीं, मतलब क्या है ऐसे तो यहाँ पे माँ का पूरा आपका जो योनि जो गर्भस्थान है ना यहाँ पे गिरा था, और ये 3 दिन साल में 3 दिन माँ अपना पूरा यौवन प्राप्त होती है, जैसे 16 साल हो जाते हैं जागृत होती है माँ, 3 दिन पूरा जागृत माँ का यौवन आ जाता है। माँ तो कभी बड़ी होती है, कभी बच्ची होती है, कभी क्या क्या रूप लेती है ना, तो ये साल में एक बार आपका जो अम्बुबाची मेला आता है ना, तो 3 दिन माँ पूरा 16 साल की यौवन होती है, उस यौवन में माँ का 3 दिन रक्त आता है और तो पूरा जागृत होती है माँ। आपको आपका मन में कुछ भी है जो तंत्र तंत्र जो भी साधना करना है, कुछ भी करना है, जो भी इच्छा है, आप एकदम सच्चे मन से आके, जैसे मतलब 16 साल की होती है, मतलब उसकी जो एक पीरियड जिसे बोलते हैं वो स्टार्ट होता है ना, तो जो यहाँ पे साल में एक बार होता है, तो माँ भी 16 साल की होती है यहाँ पे, है ना, तो मतलब इनका फर्स्ट पीरियड आता है, जैसे मतलब साल में एक साल में एक बार उनका पीरियड आता है। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे ये तंत्र क्रिया की जाती है, शक्ति पीरियड एकदम शक्ति पीरियड, अभी माँ पूरा जागृत अवस्था में है। अच्छा, इसलिए पट बंद किया गया हुआ है, और जो बड़े बड़े तांत्रिक है ना जो पूरा सिद्धि हासिल कर सके वो माँ को साक्षात दर्शन भी पाते हैं, हम अभी नहीं पा रहे हैं, अब मैं भी आशा करती हूँ माँ का साक्षात दर्शन भी होता है। अच्छा अच्छा, ऐसा कहा जाता है जैसे यहाँ का जो सिंदूर जो होता है उसे ले जाने से, मतलब कहाँ से यहाँ पर कोई सिंदूर वगैरह मिलता है? हाँ, पहले मैंने भी सुनी हूँ, मैं भी इतना नहीं जानती हूँ, पहले का जमाने में जो माँ का जो रक्त आते हैं ना वहाँ से सिंदूर बनता था, वो सिंदूर प्रसाद के तौर में मिलता था, देते थे पहले। अच्छा, अभी ये चीज़ बंद है फिलहाल, अब ये सिंदूर के बांटते तो नहीं है, लेकिन कपड़ा माँ का जो लाल कपड़ा है वो बांटा जाता है। अच्छा, जो लाल कपड़ा आता है वो कहाँ से आता है, कैसे? वो वहाँ अभी यहाँ का जो चलन जो सुने हैं, अभी हम लोग भी तो आंखों से देखते तो है नहीं, तो वहाँ का जो रक्त जो होता है ना माँ का, वो रक्त लाल हो जाता है बोलते हैं, पर हम यहाँ का सुने हैं हम लोग। अच्छा, मतलब जो रक्त आता है उससे जो कपड़ा है वो लाल हो जाता है? हाँ, ऐसा बोलते हैं, यहाँ यहाँ का मान्यता है। अच्छा, तो उस कपड़े का क्या करते हैं फिर लोग? वो कपड़ा को ले जाके आप कवच बना के लगाओ, घर में अपने गोदरेज में रखो, अपनी तिजोरी में रखो, किसी को बच्चा बीमार हो उनका आप ताबीज में लगा दो, ऐसा हर जो काम में आता है। अच्छा, तो उससे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे? हाँ, विश्वास करना पड़ेगा लेकिन। अच्छा, विश्वास करना पड़ेगा तो ये। अच्छा, यहाँ पे जो है लाखों की संख्या में भीड़ आ रखी है दर्शन करने के लिए। अच्छा, मंदिर बंद है ना, 3 दिन मंदिर बंद है, 23, 24, 25 तारीख तक बंद रहता है, फिर भी लोग आते हैं जबकि दर्शन नहीं होते, फिर क्यों आते हैं? नहीं, माँ पूरा माँ तो आपको देख रही है ना, माँ पूरा जागृत अवस्था में है ना अभी,
वहाँ पूरा अवेलेबल टाइम में है, तो माँ तो पूरा देख रही है कौन क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ये साल में एक ही बार मिलता है, इसीलिए लोग सब आते हैं। ये जो है मंदिर तीन दिन इसलिए बंद किया जाता है कि ताकि जैसे मतलब पीरियड्स जो होते हैं तो पीरियड्स में मानना पड़ता है ना, मान्यता तीन दिन तो मानना पड़ता है, इसलिए पीरियड्स आते हैं, इसलिए मतलब मंदिर को बंद किया जाता है। और उसी टाइम पे हम लोग जैसे कि बाकी स्त्रियों का जो पीरियड होता है उसमें इन्हें इतना मान्यता नहीं है, लेकिन माँ तो माँ है ना, शक्तिपीठ है और माँ है। माँ का पीरियड, पीरियड का जो वस्त्र है, माँ का जो सिंदूर है, वो बहुत बड़ा प्रसाद है। तो इसलिए यहाँ पे तंत्र क्रिया की जाती है और लोग बाहर से आते हैं, अपने तंत्र क्रिया होती है यहाँ पे, करते हैं बाहर से आते हैं करते हैं। सब कोई साधना करके भी अपना हासिल करते हैं, कोई तांत्रिक करते हैं, कोई अघोरी होते हैं, अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, जैसे ये कहा जाता है आसाम में जो तांत्रिक जो होते हैं, जैसे मतलब किसी को कुत्ता बना दिया इंसान को, किसी को कबूतर बना दिया, किसी को बकरी बना दिया, तो ये सच्चे है झूठ? ये हमने भी पहले सुने हैं, मायंग बोल के एक आसाम में एक मायंग बोल के वो है, वहाँ पे पहले ऐसा होता था सुने हैं, पर अभी फिलहाल पता नहीं। अच्छा फिलहाल नहीं पता है, मतलब पहले था कभी? हाँ, ये था, पहले था, मैंने था हमारे पापा, पापा के पापा लोग बोलते थे मायंग बोल के। यहाँ पर ये मायंग एक मायंग नगरी था, एक तंत्र मंत्र का नगरी था। तो ये पहले की बात है, अब शायद नहीं हो, अभी शायद अभी नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आप लोगों को कैसा लगा इनका जो बातें हैं वो कैसी लगी हैं? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। देखिए आप लोग आशीर्वाद कीजिए, मैं भी नई नई हूं। अच्छा पहला चैनल आप लोगों ने किया। अच्छा माँ के आशीर्वाद, मेरा पूरा एक साल हो गया, माँ भी देख रही है। देखिए माँ वो मेन है, अभी जो आप पूछ रहे थे ना मुझे, ये माँ अभी बंद है, अभी लोग आते हैं सब, उनको देखिए जो गुम्मत है, जो है गुम्मत देखिए, इसलिए यहाँ सब बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर एक चीज है, जैसे जो अंबुबाची मेला है, यहाँ पर बहुत सारे अघोरी आते हैं, अपने देश से भी आते हैं, इंडिया से बाहर से भी अघोरी आते हैं, तांत्रिक आते हैं, यहाँ पे सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं और सिद्धियाँ प्राप्त करके फिर वापस अपने अपने शहर या सिटी चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके अपनी जो भी भूत प्रेत वगैरह जो भी जिस तरह के इंसानों को प्रॉब्लम होते हैं उनका सॉल्यूशन करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, नेक्स्ट टाइम अगर आप अंबुबाची मेला में आना चाहते हैं तो आइए एक बार दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा यहाँ का रेस्पॉन्स मिलता है और जो व्यवस्थाएं की गई हैं बहुत अच्छी की गई हैं। तो लगातार मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहूंगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।